subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने खाद्यान्न सामग्री बुकिंग शुरू की। लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा शहर में खाद्यान्न राशन जरूरत वाली सामग्री बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण बचाव को देखते हुए लॉकडाउन का पालन करने के लिए जनता को राहत मिलेगी। शहर में दक्ष डिपार्टमेंट स्टोर से जनता को बुकिंग कर जरूरत की राशन सामग्री घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। इटावा से रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। प्रशासन ने हमको बहुत अच्छी उपलब्धि दी है कि हम इसमें लोगों का सहयोग कर सकें और जिसके घर पर सामान नहीं है उसके घर तक सामान पहुंचा सकें उचित रेट पर और फ्री होम डिलीवरी है। अच्छा, तो अब तक लगभग कितनी होम डिलीवरी घर पहुंचाई होगी आपने? 110 के आसपास पहुंचा चुका हूँ। अच्छा, दो दिनों के अंदर। अच्छा, तो जनता के किस तरीके से आप लोग सुविधा दे रहे हैं? कुछ लोगों के फ़ोन वैसे भी आ रहे हैं कि कुछ उल्टा सीधा सामान भेज दो, बाकी मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत का सामान मंगाएं, फालतू के सामान ना मंगाएं। अच्छा, तो आपके जो होम डिलीवरी लेके जाते हैं किस तरीके की मतलब सामान जाता है, जैसे सब्जी वगैरह भी हैं, आटा वगैरह भी, क्या क्या सामान उपलब्ध है इसके? अभी हमारे पास सारा सामान उपलब्ध है, खाने पीने का जो अधिक आवश्यक चीज़ें हैं जैसे दाल हो गई, चावल हो गया, मेवा हो गई, ठीक, पूजा की सामग्री भी हम उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। रेट किस आधार पर रखे हैं आप लोगों ने? रेट जो पहले थे वही है और कुछ अगर गरीब भी होते हैं तो उनको फ्री में भी दे देता हूँ, जिस असहाय देने में पैसे। तो रेट सूची है जो गवर्नमेंट देती है? रेट सूची गवर्नमेंट की, उसी के आधार पर पेमेंट लिया जा रहा है और सामान भी उसी रेट पर दिया जा रहा है, उससे अगर कहीं कम है गुंजाइश है तो वो भी कर दे रहा हूँ। डिलीवरी कितने समय तक उपलब्ध करा देते हैं? डिलीवरी कल के ऑर्डर तो आज डिलीवरी दे देता हूँ और अगर 12 बजे तक जो ऑर्डर आते हैं उसके बाद, अगर दूसरे दिन 12 बजे के बाद आते हैं तो 12 बजे के बाद फिर दूसरे दिन, कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे के अंदर सबको डिलीवरी मिल जाएगी।